मैंने 10 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद देखो तो क्या रहता है, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई स्टार्ट की। ये बड़ा ही नरसिंह वाकया हुआ है, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, प्रशासन की तरफ से न्याय मिलेगा, इसी आस में आए हैं और उस पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है। परमात्मा उनको इस दुख की घड़ी में यह दुख सहन करने की ताकत दे। क्या लगता है सर आपको, जो जांच हुई है हालांकि 3 महीने गिरफ्तार, मुझे लगता है इस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें सब कुछ चीज़ें साफ होती चली जाएंगी और इसमें पुलिस भी अपना पक्ष बिल्कुल साफ लेकर आएगी और जो जांच की कमेटियां हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगी, तो उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है इस बच्चे के परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? भीम चोपड़ा। मैं उधर पंचायत थी, पंचायत के बाद कुछ लोग पंचायत के द्वारा चुने हुए थे यहाँ एसपी साहब से मिले, कुछ परिवार के कुछ पॉइंट थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। एसपी साहब से बैठ करके पूरी चर्चा हुई, भी जहाँ जहाँ डाउट था उन्होंने बताया इसके बारे में और वो क्लियर है। क्या क्या मांगे रखी? अब कोई मांग नहीं थी हमारी, भी जज को न्याय के लिए कोई कड़ी छूट ना जाए, जो एक्चुअली इसमें संदिग्ध है उसको जरूर उसको बख्शा ना जाए और नजायज आदमी को कोई तंग नहीं। हम संतुष्ट हैं पूरे, अभी जो भी कार्रवाई चल रही है 2-3 दिन तक आगे जो भी होगी वो क्लियर कर देंगे। जी साहब ने अभी आश्वासन दिया है हमें और बढ़िया बताया उन्होंने कि 2 से 4, 5, 6 दिन के अंदर मैक्सिमम तो हम इस केस को पूरा का पूरा सुलझा देंगे और जो भी परिवार है तो उसको पूरा संतुष्ट करेंगे सभी बातों के लिए। 36 बरादरी के लोग खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं भाई साहब। अगर आश्वासन जो दिया है उस पर खरा नहीं उतरेगा प्रशासन तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। राजकुमार मेला, अखिल भारतीय रोड महासभा। देखिए ये हमारे थाना इंद्री में 5 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था आईपीसी की धारा 365 के तहत, उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की थी और दिनांक 9 अप्रैल 2022 को एक आरोपी अंजलि को अरेस्ट किया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद में हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया और कल 13 अप्रैल को हमने 2 और आरोपी जिसमें एक धनवंती और एक स्वर्णदेव को अरेस्ट किया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक इस मामले में टोटल 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। जो आरोपी है उनकी निशानदेही पे काफ़ी जो रिलायबल और क्रूशियल एविडेंस है वो भी बरामद हो चुके हैं और केस प्रॉपर्टीज़ है वो हमने एफएसएल में जमा करा दी है। काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें प्राप्त भी हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स अभी भी प्राप्त होने बकाया है, जो हमने एफएसएल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा रिपोर्ट टॉप प्रायोरिटीज़ पे दे ताकि इस मामले को जल्दी से कंक्लूड किया जा सके। सर क्या कारण है कि पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, नाम था, और फिर दोबारा से उन्हीं को गिरफ्तार किया गया कल? दो देखिए, जो कल आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये धारा 201 202 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पे ये आरोप था कि सुबह इन्होंने जो डेड बॉडी है वो उठा करके पास वाले जो टिन शेड है उस पर रख दी ताकि ये किसी को पता ना लग सके। इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं जो राजेश का नाम आ रहा है, और भी कोई? देखिए, जो भी घरवालों ने कुछ और सस्पेक्ट के नाम बताए थे कि उनको लगता है कि कुछ और व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर तो पंचायत के लोगों को क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, आज परिजन और साथ में एक कमेटी 10 लोगों के आसपास की वो मेरे से यहाँ पर मिली थी, हमने उनको ये कहा है और आश्वस्त भी किया है कि इस मामले में पुलिस बिल्कुल जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से त्वरित और निष्पक्ष न्याय जाँच है वो सुनिश्चित कर रही है, और यदि उनको किसी प्रकार यदि कोई डाउट हो, संदेह हो, तो बेशक मेरे से या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं, और यदि इनको मामले में कोई और भी जानकारी हो तो वो भी उनको अवेलेबल करा सकते हैं ताकि पुलिस उस एंगल से भी इस मामले को देख सकें। लेकिन जो 3 आरोपी अब तक गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की है वो टोटली साइंटिफिक और रिलायबल एविडेंस पर आधारित है, और जैसे एफएसएल रिपोर्ट सारी चीज़ें हमें प्राप्त भी हो जाएगी उसके बाद में ये चीज़ें और पुख्ता भी हो जाएगी। सर ऐसी कोई वजह मिली है कि उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? देखिए, जो बात सामने आई है हमने उसके आधार पर उनका जो पुराना जो मेडिकल रिकॉर्ड है वगैरह और जो कुछ और चीज़ें भी हमने कलेक्ट करी है, कल अंजलि का पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको जो ठोस वजह जो हमारे सामने आई है वो भी आपको बता दी। सर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, संतुष्टि नहीं हो रही है परिजनों की, कहने की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन से बच्चा गायब हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस के द्वारा अथक परिश्रम करके और बिल्कुल कहते हैं कि सही जांच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। परिजनों के कुछ अपने मन में उनके सवाल थे, वो हमने उनको कहा है कि आपको पूर्णतया संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो सबूतों का आधार। मैंने 10 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद देखो तो क्या रहता है, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई स्टार्ट। पंचायत की आज
प्रशासन से उम्मीद करते हैं, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, प्रशासन की तरफ से न्याय मिलेगा, इसी आस में आए हैं। और उस पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है, परमात्मा उनको इस दुख की घड़ी में यह दुख सहन करने की ताकत दे। क्या लगता है सर आपको, अब तक जो जांच हुई है, हालांकि तीन महिलाएं गिरफ्तार? मुझे लगता है इस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें सब कुछ चीज़ें साफ होती चली जाएंगी और इसमें पुलिस भी अपना पक्ष बिल्कुल साफ लेकर आएगी और जो जांच की कमेटियां हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगी। तो उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है इस बच्चे के परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। भीम चोपड़ा, मैं उधर पंचायत थी, पंचायत के बाद कुछ लोग पंचायत के द्वारा चुने हुए थे, यहाँ एसपी साहब से मिले, कुछ परिवार के कुछ पॉइंट थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। एसपी साहब से बैठ करके पूरी चर्चा हुई, भी जहाँ जहाँ डाउट था उन्होंने बताया इसके बारे में और वो क्लियर है। क्या क्या मांगे रखी? अब कोई मांग नहीं थी हमारी, भी जज को न्याय के लिए कोई कड़ी छूट ना जाए, जो एक्चुअली इसमें संदिग्ध है उसको जरूर उसको बख्शा ना जाए और नजायज आदमी को कोई तंग नहीं। हम संतुष्ट हैं पूरे, अभी जो भी कार्रवाई चल रही है दो तीन दिन तक, आगे जो भी होगी वो क्लियर कर देंगे। साहब ने अभी आश्वासन दिया है हमें और बढ़िया बताया उन्होंने कि 2 से 4, 5, 6 दिन के अंदर मैक्सिमम तो हम इस केस को पूरा का पूरा सुलझा देंगे और जो भी परिवार है तो उसको पूरा संतुष्ट करेंगे सभी बातों के लिए। 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं भाई साहब। अगर आश्वासन जो दिया है उस पर खरा नहीं उतरेगा प्रशासन तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। राजकुमार मैला, अखिल भारतीय रोड महासभा। देखिए, ये हमारे थाना इंद्री में 5 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था आईपीसी की धारा 365 के तहत। उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की थी और दिनांक 9 अप्रैल 2022 को एक आरोपी अंजलि को अरेस्ट किया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद में हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया और कल 13 अप्रैल को हमने 2 और आरोपी जिसमें एक धनवंती और एक स्वर्णदेव को अरेस्ट किया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक इस मामले में टोटल 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। जो आरोपी है उनकी निशानदेही पे काफ़ी जो रिलायबल और क्रूशियल एविडेंस है वो भी बरामद हो चुके हैं और केस प्रॉपर्टीज़ है वो हमने एफएसएल में जमा करा दी है। काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें प्राप्त भी हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स अभी भी प्राप्त होनी बकाया है, जो हमने एफएसएल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा रिपोर्ट टॉप प्रायोरिटीज़ पे दे ताकि इस मामले को जल्दी से कंक्लूड किया जा सके। सर, क्या कारण है कि पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, नाम था, और फिर दोबारा से उन्हीं को गिरफ्तार किया गया कल? दो देखिए, जो कल आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये धारा 201 202 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पे ये आरोप था कि सुबह इन्होंने जो डेड बॉडी है वो उठा करके पास वाले जो टिन शेड है उस पे रख दी ताकि ये किसी को पता ना लग सके। इसमें तो और भी आरोपी हो सकते हैं जो राजेश का नाम आ रहा है और भी कोई? देखिए, जो भी घरवालों ने कुछ और सस्पेक्ट के नाम बताए थे कि उनको लगता है कि कुछ और व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, तो पंचायत के लोगों को क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, आज परिजन और साथ में एक कमेटी 10 लोगों के आसपास की वो मेरे से यहाँ पर मिली थी, हमने उनको ये कहा है और आश्वस्त भी किया है कि इस मामले में पुलिस बिल्कुल जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से त्वरित और निष्पक्ष न्याय जाँच है वो सुनिश्चित कर रही है, और यदि उनको किसी प्रकार यदि कोई डाउट हो, संदेह हो, तो बेशक मेरे से या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं, और यदि इनको मामले में कोई और भी जानकारी हो तो वो भी उनको अवेलेबल करा सकते हैं ताकि पुलिस उस एंगल से भी इस मामले को देख सके। लेकिन जो 3 आरोपी अब तक गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की है वो टोटली साइंटिफिक और रिलायबल एविडेंस पर आधारित है, और जैसे ही एफएसएल रिपोर्ट सारी चीज़ें हमें प्राप्त भी हो जाएगी उसके बाद में ये चीज़ें और पुख्ता भी हो जाएगी। सर, ऐसी कोई वजह मिली है कि उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? देखिए, जो बात सामने आई है हमने उसके आधार पर उनका जो पुराना जो मेडिकल रिकॉर्ड है वगैरह और जो कुछ और चीज़ें भी हमने कलेक्ट करी है, कल अंजलि का पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको जो पूरी जो ठोस वजह जो हमारे सामने आई है वो भी आपको बता दी। सर, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, संतुष्टि नहीं हो रही है परिजनों की, कहने की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन से बच्चा गायब हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस के द्वारा अथक परिश्रम करके और बिल्कुल कहते हैं कि सही जांच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। परिजनों के कुछ अपने मन में उनके सवाल थे, वो हमने उनको कहा है कि आपको पूर्णतया संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो सबूतों का आधार